नोएडा में फंसे फ्लैट्स की मुश्किल अब सुलझने वाली है और इसकी वजह है कि यूपी सरकार अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों के आधार पर डेवलपर्स को कई तरह की सहूलियतें दे सकते हैं और इनमें जीरो पीरियड से लेकर बकाया रकम का आसान भुगतान तक शामिल है। उम्मीद है कि इसके बाद से ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे पर भी लोगों को पजेशन मिलना शुरू हो जाएगा। नोएडा में बरसों से फंसे हजारों फ्लैट्स का समाधान अब होने के आसार नजर आने लगे हैं। अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर यूपी सरकार बिल्डर्स को रियायत देने पर जल्द ही फैसला कर सकती है। जो ड्यूज को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज के जो ड्यूज है उनके चलते काफी ओसीस जो स्टक अप रही हैं, जो इवन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में भी ओसी ना होने के कारण काफी बायर्स स्टक अप रहे हैं और जितने भी स्टक प्रोजेक्ट्स है वो क्योंकि ड्यूज सब्सटेंशियल थे और कोई को डेवलपर का आने का कोई संभावना या पॉसिबिलिटी होने के बावजूद भी डिफिकल्टी जो है अथॉरिटीज परमिशंस नहीं दे रही थी, मेरे ख्याल से वो भी एक इम्पॉर्टेंट कदम है। कई और सुझाव हैं जैसे एफआईआर बढ़ा के जो मिल सके वो उनकी वो बेनिफिट मिल जाए और जो ड्यूज जो है रिस्केड्यूल हो जाए। इन सब के चलते हुए मेरा मानना है कि ये स्टक प्रोजेक्ट्स में जरूर एक रिवाइवल दिखेगा। अमिताभ कांत सर की रिपोर्ट को सरकार को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए, इससे डेवलपर का ही नहीं प्राधिकरण का और बायर का बहुत लाभ होगा। प्राधिकरण को उनका बकाया मिलना शुरू हो जाएगा, लाखों बायर्स की रजिस्ट्रियां हो जाएंगी, राजस्व में इजाफा होगा क्योंकि स्टैंप ड्यूटी पे होगी। सभी बायर्स को जो बिना रजिस्ट्री के रह रहे हैं या रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है उन बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्डर और खरीदारों की समस्याओं के समाधान के लिए अमिताभ कांत की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को भी यूपी सरकार मंजूरी दे सकती है। इसके तहत डेवलपर्स के कुल 4,700 करोड़ रुपए बकाया में से 14,400 करोड़ रुपए माफ हो सकता है। इसमें नोएडा में 26,500 करोड़, ग्रेटर नोएडा में 14,300 करोड़ और यमुना एक्सप्रेसवे पर 4,700 करोड़ डेवलपर्स पर बाकी हैं। बकाए में इस छूट के मिलने से डेवलपर्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा रकम नहीं जुटानी होगी। इसके साथ ही डेवलपर्स को कोविड और कंस्ट्रक्शन पर बैन की अवधि का जीरो पीरियड का फायदा मिलेगा। बकाया रकम को किश्तों में चुकाने के लिए रीशेड्यूलमेंट स्कीम मिलेगी। अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कोर डेवलपर को लाने की मंजूरी मिलेगी। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बगैर किसी चार्ज के 3 अतिरिक्त साल मिलेंगे। फ्लैट रजिस्ट्री को बिल्डर के बकाये से डीलिंग किया जाएगा जिससे लोगों को लीगल पोजीशन मिलेगा। इसके लिए कुल नई बकाया रकम का 25% जमा कराकर बाकी रकम अगले 3 महीने में जमा करने की छूट मिलेगी। इससे अकेले नोएडा के 54,500 बायर्स को लीगल पोजीशन का मौका मिलेगा। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर फंसे हजारों फ्लैट्स बायर्स का गृह प्रवेश का सपना इससे पूरा हो सकेगा। आदित्य केराना, आज तक।